बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। माय डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ डॉक्टर आफ्ताब अकरम एंड आई एम हेयर विद यू विद द लेक्चर नंबर 23 ऑफ डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स कोर्स। एंड दिस लेक्चर इज़ द सेवंथ पार्ट ऑफ आवर बेसिक डाटा स्ट्रक्चर टॉपिक सीरीज, इन विच वी हैव डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेसिक डाटा स्ट्रक्चर्स। And today's lecture is the last of the series. And in today's lecture, we are going to discuss another very basic data structure, which is commonly used in databases, which is the dictionaries. So let's begin our lecture. Okay, a dictionary is basically a collection of records. जैसे कि डेटाबेस में होता है कि उसमें हमारे पास रिकॉर्ड्स होते हैं, और हमारा जो डेटाबेस जो एक मैनेजमेंट सिस्टम जो कि सॉफ्टवेयर है, उसका बेसिक पर्पस क्या होता है कि वो उन रिकॉर्ड्स को एफिशिएंटली हैंडल करे। तो उसके लिए जो हम अब कह सकते हैं कि डाटा स्ट्रक्चर हम यूज़ करते हैं, हम उसको जो है वो डिक्शनरी कहते हैं। मोस्ट फेमिलियर नोटेशन फॉर डिक्शनरी इज़ अ डेटाबेस, के जो आप कॉमनली हम जो है वो डेटाबेस जो है वो यूज़ होते हैं प्रोग्रामिंग, मतलब किसी भी तरह के डाटा को स्टोर करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए जो है वो हम इनको यूज़ करते हैं। अ डिक्शनरी ADT प्रोवाइड्स ऑपरेशन फॉर स्टोरिंग रिकॉर्ड्स, फाइंडिंग रिकॉर्ड्स एंड रिमूविंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम द कलेक्शन। तो बेसिकली तीन बेसिक फंक्शंस होते हैं जब हम ADT डिफाइन करते हैं। उसमें पहली चीज़ ये है कि रिकॉर्ड्स को स्टोर करना, और उसके बाद फिर ये है कि ऑन डिमांड रिकॉर्ड्स को रिट्रीव करना, और उसके अलावा ये ज़रूरत पड़ सकती है कि कुछ रिकॉर्ड्स को मॉडिफाई या डिलीट करना। तो बेसिकली ये तीन हम जो है ना वो ऑपरेशन जो है उसमें लाजमन ADT में हम डिफाइन करते हैं। डेटाबेस रिकॉर्ड कुड सिंपली बी अ नंबर, और इट कुड बी क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड सच एज द पेयर ऑफ रिकॉर्ड विद मैनी फील्ड्स ऑफ वेरिंग टाइप्स। तो डेटाबेस रिकॉर्ड सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो सकता है कि एक नंबर हो सकता है, या फिर ये है कि जैसे कि एक कंप्लीट पेरोल रिकॉर्ड है जिसमें कि एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट और इस तरह से डिफरेंट फील्ड्स हो सकती हैं, और उनके जो टाइप है वो भी डिफरेंट जो है वो हो सकती है। कुछ हो सकते हैं फील्ड्स हैं वो न्यूमेरिक टाइप के हों, कुछ जो है वो अल्फाबेटिक टाइप क्यों, या मिक्स टाइप भी हो सकती है, अल्फाबेटिक और न्यूमेरिक दोनों जो है वो हो सकते हैं। वी डू नॉट वांट टू डिस्क्राइब व्हाट वी आर लुकिंग फॉर बाय डिटेलिंग एंड मैचिंग द इंटायर कंटेंट्स ऑफ द रिकॉर्ड। अब इसमें टिपिकली जो है वो एक तरीकेकार ये होता है कि चूँकि रिकॉर्ड की लेंथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, उसमें काफ़ी ज़्यादा फील्ड हो सकती हैं, तो इसलिए जो है वो ऐसा जो है पॉसिबल नहीं है कि हम जो है पूरे रिकॉर्ड को एनालाइज करें फिर देखें कि क्या ये वही रिकॉर्ड है कि जो हमें चाहिए था। हमें जो है वो एक ऐसा मैकेनिज्म चाहिए कि हम ये काम क्विकली कर सकें, और उसके लिए हमें पूरा रिकॉर्ड भी जो है उसको भी चेक ना करना पड़े, या उसको रीड जो है वो नहीं करना पड़े। बिकॉज जब आपने रिकॉर्ड को अगर आपने उसको एनालाइज करना है, तो पहले सबसे पहले उसको जो है वो मेमोरी में लोड करना पड़ेगा, फिर उसको चेक करेंगे, और इस प्रोसेस में जो काफ़ी टाइम जो है फिर लगेगा। वी टिपिकली डिफाइन व्हाट रिकॉर्ड वी वांट इन टर्म्स ऑफ अ की वैल्यू। तो हम क्या करते हैं कि एक की वैल्यू के जरिए जो कि एक एक्स्ट्रा फील्ड होती है, थोड़ा सा ओवरहेड इसमें रिकॉर्ड में आ जाता है, लेकिन इसका फ़ायदा ये होता है कि हर रिकॉर्ड की एक यूनिक की वैल्यू होती है, और हमें अगर कोई रिकॉर्ड एक्सेस करना है किसी भी पर्पज़ के लिए, तो हम सिर्फ सिंपली क्या करेंगे कि हम उसकी सिर्फ की वैल्यू को रेफ़र करेंगे, दैट विल बी इनफ। और नॉर्मली क्या होता है कि ये जो की वैल्यूज़ है ये न्यूमेरिक होती हैं, इसलिए इन पे इनको कंपेयर करना और इनको सॉर्ट करना जो है वो काफ़ी आसान होता है। उसके एग्जांपल क्या है कि ID नंबर इज़ अ सर्च की, कि अक्सर रिकॉर्ड्स में क्या होता है कि उसमें एक यूनिक ID जो है उनकी होती है, तो वो यूनिक ID एक्चुअली जो है वो की वैल्यू के तौर पर इस्तेमाल होती है, और वो हमें ये एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करती है कि हम बजाय पूरे रिकॉर्ड को चेक करने के, हम सिर्फ उस यूनिक की वैल्यू को ही चेक करेंगे, और अगर वो मैच करती है तो हम उस रिकॉर्ड को एक्सेस कर लेंगे। टू इम्प्लीमेंट द सर्च फंक्शन
वी रिक्वायर दैट द कीज बी कंपेरेबल, कि कीज़ को जो हम कंपेयर कर सकें, उनकी वैल्यूज़ को जो है आपस में हम कंपेयर कर सकें, ताकि जो है वो हमें सर्च फंक्शन इंप्लीमेंट करने में आसानी हो। एट अ मिनिमम वी मस्ट बी एबल टू टेक टू कीज एंड रिलायबली डिटरमिन वेदर दे आर इक्वल और नॉट। तो टिपिकली ऐसा होगा कि एक जो है वो हम प्रोवाइड करेंगे कि हमें एम्प्लॉय स्पोज के अगर आप एक क्वेरी देते हैं तो आप उसमें स्पेसिफाई करेंगे कि आपको एम्प्लॉय नंबर वन का रिकॉर्ड जो है वो चाहिए, आई डी इज़ इक्वल टू वन, या जो भी एक आई डी आपने डिफाइन करनी है वो चाहिए। और फिर हम उसको वन बाई वन जो है वो रिकॉर्ड के साथ कंपेयर करेंगे। और बेसिकली उसमें क्या होगा कि एक सिंपल कंपेरिजन चल रहा होगा कि जिसमें हम दो की वैल्यूज को आपस में कंपेयर कर रहे हैं, और हम ये डिटरमिन जाना करना चाह रहे हैं कि ये दो की वैल्यूज हैं ये इक्वल हैं या ये नहीं है। दैट इज़ अनफ टू एनेबल अ सिक्वेंशियल सर्च थ्रू अ डेटाबेस फॉर रिकॉर्ड्स एंड फाइंड वन दैट मैचेस गिवन वैल्यू। तो सिक्वेंशियल सर्च का हमने देखा था कि नॉर्मली ये हम इम्प्लीमेंट करते हैं जब हमारे पास कोई रिकॉर्ड्स या कलेक्शन कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड है, या जैसे कि एक अरे हो सकती है वो सॉर्टेड फॉर्म में ना हो, तो हमें ये ना पता हो कि जिस वैल्यू को हम सर्च कर रहे हैं ये एग्जैक्टली कहाँ पे, शुरू में या के आखिर में है। तो उस सूरत में हम क्या करते हैं कि हम सिक्वेंशियल सर्च जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। और सिक्वेंशियल सर्च हमें के लिए हमें ये करना पड़ता है कि शुरू से लेकर आखिर तक तमाम रिकॉर्ड्स को हम वन बाई वन चेक करते हैं, और जहाँ पर हमें वो रिकॉर्ड मिल जाए या की वैल्यू जो मैच कर जाए वहीं पे हम जो है वो सर्च को हम स्टॉप कर देते हैं। तो इसका नुकसान सिर्फ ये है कि इन्वर्स कैसे हो सकता है कि जो मे बी जो हम जिस रिकॉर्ड को हम सर्च कर रहे हैं वो डेटाबेस का आखिरी रिकॉर्ड हो, तो हमें ये करना पड़ेगा कि शुरू से लेकर आखिर तक तमाम रिकॉर्ड्स को जो है वो सर्च करना पड़ेगा, जिसमें कि काफ़ी टाइम जो है वो लग सकता है। हाउएवर वी टिपिकली वुड लाइक फॉर द कीज टू डिफाइन अ टोटल ऑर्डर, विच मीन्स दैट वी कैन टेल विच ऑफ टू कीज इज ग्रेटर देन द अदर। तो इसमें जो है वो हमने जो है वो इस चीज़ को हमने इंश्योर करना है कि हम जो कीज़ हम डिफाइन कर रहे हैं द मस्ट बी इन टोटल ऑर्डर। और उसका मतलब ये है कि हम ये एक्चुअली सिंपल वर्ड्स में हम ये कहना चाह रहे हैं कि दोनों में से कौन सी की जो है बड़ी है और कौन सी की जो है वो छोटी है। यूजिंग की टाइप्स टोटल ऑर्डर गिव्स द डेटाबेस इंप्लीमेंटर द अपॉर्चुनिटी टू ऑर्गेनाइज अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड इन अ वे दैट मेक सर्चिंग मोर एफिशिएंट। फॉर एग्जांपल कि आप क्या कर सकते हैं कि आप रिकॉर्ड्स को सॉर्ट कर सकते हैं, और सॉर्टिंग में फिर ये हो जाएगा कि उसमें सर्च जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगी। अभी जैसे हमने सिक्वेंशियल सर्च की बात की थी कि उसका वर्स्ट केस सिनेरियो ये हो सकता है कि जिस रिकॉर्ड को हम सर्च कर रहे हैं वो डेटाबेस का आखिरी रिकॉर्ड है, और जब हम सर्च करते हैं तो हमें तमाम रिकॉर्ड्स को, चाहे वो थाउजेंड्स में हों या मिलियन में रिकॉर्ड्स हों, तो हमें एक एक को हमें उसमें सर्च करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम उसको जो है रिकॉर्ड्स को सॉर्ट कर लें असेंडिंग एंड डिसेंडिंग किसी भी ऑर्डर में, तो उसमें क्या होगा कि हम ज़्यादा एफिशिएंट सर्चिंग एल्गोरिदम्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और जिससे हमारी सर्चिंग जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगी। एन एग्जाम्पल इज सॉर्टिंग द रिकॉर्ड्स इन सॉर्टेड ऑर्डर इन एन एरे विच परमिट्स अ बाइनरी सर्च। तो बाइनरी सर्च बेसिकली क्या होती है कि ये हम टिपिकली, मैं एक एग्जाम्पल जो आपको दे रहा हूँ वो मैं एरे की दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये एरे है, इसका साइज एन है, फर्स्ट रिकॉर्ड इसका इंडेक्स जो है वो ज़ीरो है, और लास्ट रिकॉर्ड इसका इंडेक्स जो है वो एन माइनस वन होगा, और ये सारे जो रिकॉर्ड्स हैं ये सॉर्टेड हैं। इसका मतलब है कि जो लोएस्ट वैल्यू है फॉर एग्जांपल ये असेंडिंग ऑर्डर में जो है ये सॉर्टेड है, वो लोएस्ट इंडेक्स पे है, और जो हाईएस्ट वैल्यू है वो आखिरी इंडेक्स पे है। तो हम इसमें क्या करेंगे कि जो हमने वैल्यू के सर्च करनी है, सपोज कि हम एक वैल्यू है उसको हम के को हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, सबसे पहले हम उसको मिडल वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे और हम ये देखेंगे कि ये मैच करते हैं कि नहीं करते। अगर ये मैच नहीं करती तो हमारे पास दो सब अरेज होंगी, एक हमारे पास ये लेफ्ट सब अरे होगी और एक हमारे पास ये राइट सब अरे होगी। अब ये डिपेंड इस चीज़ पे करता है कि ये जो सेंटर एलिमेंट है ये इसकी वैल्यू से बड़ा है या छोटा है। अगर तो छोटा है तो हम राइट सब अरे को सर्च करेंगे, और अगर बड़ा है तो फिर हम लेफ्ट सब अरे को सर्च करेंगे। इसी तरह से जब हम एक सब अरे सेलेक्ट कर लेंगे, फिर हम इसी तरह से उस सब अरे के मिडिल एलिमेंट्स के साथ इसके को दोबारा कंपेयर करेंगे,
अगर ये मैच हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर इसी तरह से हम राइट या लेफ़्ट सब अरे जो है वो सर्च करेंगे, और ये प्रोसेस उस तक चलता रहेगा जब तक कि हमें ये की ये वैल्यू जो है वो उसके मुताबिक डिसीज़न नहीं हो सकता, डिसीज़न नहीं होता, या तो ये मिल जाएगी या फिर ये डाटाबेस में नहीं होगी। तो ये जो है इस जो इसको हम कहते हैं बाइनरी सर्च, और ये बाइनरी सर्च जो है ये जो हम सिक्वेंशियल सर्च की बात कर रहे हैं उससे काफ़ी एफिशिएंट सर्चिंग एल्गोरिथम है। इन प्रैक्टिस मोस्ट फील्ड ऑफ मोस्ट रिकॉर्ड कंसिस्ट ऑफ सिंपल डाटा टाइप विद नेचुरल टोटल ऑर्डर। और सिंपली होता है कि जो है जैसे कीज़ है या आईडीज़ है, तो ये सिंपल नुमेरिक होती हैं और वो नेचुरली जो है वो टोटल ऑर्डर में होती हैं। इस वजह से उनको जो है उन पे सॉर्टिंग अप्लाई करना या उन पे कंपैरिजन ऑपरेटर्स अप्लाई करना जो है वो काफ़ी आसान होता है। तो ये इजीली जो है हम इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंटीजर फ्लोट टेबल एंड करेक्टर स्ट्रिंग्स ऑल आर टोटली ऑर्डर्ड। और जो ADT हम इसके लिए डिफाइन करेंगे उसमें यह है कि एक हमारे पास क्लियर मेथड है, एक री इनिशलाइज द डिक्शनरी। ये मेथड हम देख रहे हैं कि तकरीबन हर किस्म की डेटा टाइप के साथ ये होता है। इंसर्ट में हम क्या करेंगे कि वी विल इंसर्ट अ न्यू रिकॉर्ड इन द डिक्शनरी। रिमूव में क्या करेंगे, रिमूव एंड रिटर्न रिकॉर्ड, एंड देन रिमूव एंड रिटर्न एन आर्बिट्री रिकॉर्ड फ्रॉम डाटा। नॉर्मली ये करता है कि रिमूव और रिमूव एनी में डिफरेंस जो है वो ये है कि रिमूव में हमें क्या करना पड़ेगा कि हम इसमें हम बताएंगे रिकॉर्ड को, हम उसकी की जो है वो हम लाजमी बताएंगे कि हमने जो है वो कौन से रिकॉर्ड को हम सर्च करना चाह रहे हैं। और रिमूव एनी टिपिकली क्या करेगा कि जो भी डेटाबेस का लास्ट रिकॉर्ड है उसको रिमूव कर देगा। तो ये इन दोनों में जो डिफरेंस होगा, रिमूव में हम कोई भी पर्टिकुलर रिकॉर्ड जो है वो हम उसकी की बता सकते हैं, और रिमूव एनी में जो भी लास्ट रिकॉर्ड होगा हम उसको जो है वो रिमूव कर देंगे। फाइंड आर रिकॉर्ड मैचिंग के एक हम की वैल्यू है जो हम प्रोवाइड करेंगे, और ये हमें वो रिकॉर्ड हमें रिटर्न करेगा कि जो कि उस की के साथ मैच कर रहे हैं। और साइज है रिटर्न से नंबर ऑफ रिकॉर्ड इन दी डिक्शनरी, की डिक्शनरी में इस वक्त कितने रिकॉर्ड्स हैं ये जो है वो हमें रिटर्न करेगा। तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हमने डिस्कस करनी है, विच इज़ द की वैल्यू पेयर। कीज एडिट अ सेपरेट फील्ड इन द डिक्शनरी। तो अभी जैसे हमने कहा था कि इंस्टेड ऑफ एनालाइजिंग द कंप्लीट रिकॉर्ड, हम सिर्फ ये चाहेंगे कि हम जो है सिर्फ एक किसी फील्ड को हम उसको जो है वो उसी से हम पूरे रिकॉर्ड को जो है वो हम उसको एनालाइज कर सकें इंस्टेड ऑफ सर्चिंग द कंप्लीट रिकॉर्ड। तो उसमें क्या होता है कि एक एक की जो है वो हर फील्ड एक एज अ फील्ड जो है वो रिकॉर्ड में ऐड की जाती है। ईच इन द डिक्शनरी विल कंटेन बोथ रिकॉर्ड एंड एसोसिएटेड की। और नॉर्मली ये जो की होती है ये यूनिक होती है। यूनिक का मतलब ये है कि तमाम रिकॉर्ड्स की अपनी एक की वैल्यू होगी जो कि रिपीट जो है वो नहीं होगी। सच एंट्रीज आर नोन एज की वैल्यू पेयर। तो हम इसको क्या कहते हैं कि की और वैल्यू कहते हैं, जो रिकॉर्ड है वो वैल्यू है और उससे पहले जो है उसके साथ एक एसोसिएटेड की होगी। की स्टैंड टू बी मच स्मॉलर देन रिकॉर्ड्स, सो दिस एडिशनल स्पेस ओवरहेड विल नॉट बी क्रिएट। तो टिपिकली क्या होता है कि ये कीज़ हैं वो न्यूमेरिक होती हैं, और ये रिकॉर्ड से काफ़ी इनका साइज़ जो है वो स्टोरेज में काफ़ी कम होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा इस पर ओवरहेड जो है वो नहीं है। तो इसलिए जो है वो हमें जो है ये एक फ़ायदा होगा कि हम इसको स्टोर करने में भी हमें सहूलत रहेगी और हमें इसको एनालाइज करने में भी हमें आसानी रहेगी। फॉर एग्जाम्पल हम इसके एग्जाम्पल लेते हैं, द इंसर्ट मेथड ऑफ द डिक्शनरी एडिटरी सपोर्ट द की वैल्यू पेयर इम्प्लीमेंटेशन बिकॉज इट टेक्स टू पैरामीटर्स आर रिकॉर्ड एंड इट्स एसोसिएटेड की फॉर दैट डिक्शनरी। अब जब भी आप एक नया रिकॉर्ड ऐड करेंगे तो वो क्यों जो की है वो रिपीट नहीं होगी, यानी हम कोई पुरानी की यूज़ नहीं करेंगे, ऑटोमेटिकली क्या होगा कि वो एक नई की जो है वो जनरेट होगी उस रिकॉर्ड के लिए, और वो फिर उस रिकॉर्ड के साथ जो है वो एसोसिएट कर दी जाएगी। इम्प्लीमेंटेशंस की बात कर लेते हैं, तो हमारे पास दो तरह की इम्प्लीमेंटेशन है जैसे कि हम टिपिकली देखते आ रहे हैं, अरे बेस्ड और लिंक्ड लिस्ट बेस्ड। तो पहले जो है वो हम बात करते हैं कि जी अरे बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन जो डिक्शनरी की होगी वो किस तरह की होगी।
Dictionaries can be implemented using arrays and linked list. There are two ways of using arrays to implement dictionaries: unsorted array और sorted array. Unsorted array में क्या होगा कि जब भी हमको नया रिकॉर्ड आएगा तो हम उसको हमारे पास, फॉर एग्जांपल के ये हमारे पास एक array है और इसमें हमने रिकॉर्ड्स जो है वो ऐड करते जा रहे हैं. अब जो भी नया रिकॉर्ड आएगा वो बेसिकली इस array के आखिर में अपेंड होगा. अपेंड करने का मतलब यह है कि उसके एंड पे जो है वो ऐड हो जाएगा. अब हम इसमें जो है वो ये नहीं देख रहे कि इसकी जो की है वो किस पॉइंट, मतलब उसको हम नहीं हम देख रहे. हम बस सिंपली ये कर रहे हैं कि हम उसको जो भी आखिर में है अरे के वहाँ पे हम ऐड करें. अब वक्त के साथ साथ क्या होता है कि रिकॉर्ड्स इंसर्ट भी होते हैं, डिलीट भी होते रहते हैं. इसलिए ये जो है ज़रूरी नहीं है कि ये कीज जो है ये एक सीक्वेंस में हो, समटाइम ये आउट ऑफ सीक्वेंस में जो है हो सकते हैं. सॉर्टेड अरे में क्या होगा कि इस तरह से हम अपेंड नहीं कर सकते. हम ये देखेंगे कि हमने जब इस रिकॉर्ड को हमने इसको ऐड करना है तो इसको एक सॉर्टेड फॉर्म में हमने इसको जो है इस रिकॉर्ड को ऐड करना है. हमने ये देखना है कि ये इसके राइट पोजीशन जो है वो कहाँ बनती है, तो हम उस पोजीशन पे इसको ऐड करेंगे इंस्टेड ऑफ जस्ट अपेंडिंग एट द एंड ऑफ द अरे. तो ये अनसॉर्टेड अरे में जो है जाहिर सी बात है कि सिर्फ ये सिंपल एक अपेंड ऑपरेशन है, इसलिए ये कॉन्स्टेंट टाइम लेगा. लेकिन सॉर्टेड अरे में क्या होगा कि चूँकि हमें सर्च करना पड़ेगा कि इसकी जो है राइट पोजीशन कहाँ पे बनती है, तो इसलिए ये जो है इसमें इंसर्ट ऑपरेशन सॉर्टेड अरे में थोड़ा एक्सपेंसिव होगा. इन अनसॉर्टेड अरे इंप्लीमेंटेशन ऑफ डिक्शनरीज इंसर्ट इज अ कॉन्स्टेंट टाइम ऑपरेशन बिकॉज इट्स सिंपली इंसर्ट्स अ न्यू रिकॉर्ड एट द एंड ऑफ द लिस्ट. यही अभी हमने डिस्कस किया. हाउएवर फाइंड एंड रिमूव बोथ रिक्वायर थीटा एंड टाइम्स इन द एवरेज इन बोथ केस बिकॉज वी नीड टू डू अ सिक्वेंशियल सर्च. चूँकि ये सॉर्टेड नहीं है तो इसलिए हमें नहीं पता है कि रिकॉर्ड जो है वो जो हम सर्च कर रहे हैं वो कहाँ पे है. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें सिक्वेंशली जो है वो शुरू से लेकर आखिर तक तमाम रिकॉर्ड्स को सर्च करना पड़ेगा और देन वी कैन फाइंड द रिकॉर्ड. और ये वर्स्ट केस में क्या हो सकता है कि जिस रिकॉर्ड को हम सर्च कर रहे हैं मे बी वो जो है वो उस डेटाबेस का या उस डिक्शनरी का आखिरी रिकॉर्ड हो, तो हमें जो जितने भी एन रिकॉर्ड उसके अंदर हैं वो सारे हमें सर्च करने पड़ेंगे. तो ये इसमें फाइंड और रिमूव में ये जो है वो एक मसला होगा कि इंसर्ट तो कॉन्स्टेंट टाइम है लेकिन जो फाइंड और रिमूव है ये थीटा एंड टाइम जो है ये लेगा. मेथड रिमूव इन पर्टिकुलर मस्ट टच एवरी रिकॉर्ड इन द लिस्ट बिकॉज वंस अ डिजायर रिकॉर्ड इज फाउंड द रिमेनिंग रिकॉर्ड मस्ट बी शिफ्टेड डाउन इन द लिस्ट टू फिल द गैप. तो रिमूव में क्या होगा कि जब हमने एक रिकॉर्ड को रिमूव कर दिया तो हमें बाकी वहाँ पे हम जगह को खाली नहीं छोड़ सकते, बाकी रिकॉर्ड्स को फिर हमें एक एक स्टेप जो है वो नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा. मेथड रिमूव एनी रिमूव से लास्ट रिकॉर्ड फ्रॉम द लिस्ट सो दिस इज़ अ कॉन्स्टेंट टाइम ऑपरेशन. अनदर अल्टरनेटिव वुड बी टू इम्प्लीमेंट द डिक्शनरी विद अ सॉर्टेड लिस्ट. सॉर्टेड लिस्ट इज समवॉट डिफरेंट फ्रॉम एन अनसॉर्टेड लिस्ट इन दैट इट कैन नॉट परमिट द यूजर टू कंट्रोल वेयर द एलिमेंट्स गेट्स इंसर्टेड. तो ये नहीं कि हम रेंडमली उसको कहीं पे भी कर सकते हैं. टिपिकली होता है कि जो सिंपली एक रिकॉर्ड जो है वो अपेंड होता है एट द एंड ऑफ डिक्शनरी. तो इसमें हम ये नहीं कर सकते. हमने ये देखना है कि हम इसमें जो उसकी राइट पोजीशन है जहाँ पे वो अपनी की वैल्यू के साथ की के हिसाब से जहाँ पे वो फॉल करता है हम उसको वहीं पे जो है वो हम उसको स्टोर करेंगे. द इंसर्ट मैटर मस्ट बी क्वाइट डिफरेंट इन अ सॉर्टेड लिस्ट दैन इन अनसॉर्टेड लिस्ट. फॉर एग्जाम्पल कैसे होगा कि द एडवांटेज ऑफ दिस अप्रोच वुड बी दैट वी माइट बी एबल टू स्पीड अप द फाइंड ऑपरेशन बाई यूजिंग अ बाइनरी सर्च. तो जिस तरह से हमने देखा था कि जो अनसॉर्टेड जो डिक्शनरी थी, अनसॉर्टेड अरे बेस्ड जो इम्प्लीमेंटेशन थी, उसमें क्या था कि फाइंड जो ये ऑपरेशन है दैट वाज कंप्लीटेड इन थीटा एंड टाइम. तो अब इसमें क्या है कि हम वो थी सिक्वेंशियल सर्च हम उसमें यूज़ कर रहे थे. इसमें हम अगर बाइनरी सर्च हम यूज़ करते हैं तो हम इससे काफ़ी कम टाइम में जो है वो रिकॉर्ड्स को सर्च कर सकते हैं. और वो एग्जैक्टली क्या होती है कि रिकॉर्ड फाइंड इन अ सॉर्टेड लिस्ट थीटा थीटा फ्लोग एन फॉर अ लिस्ट ऑफ लेंथ एन एंड द कॉस्ट ऑफ इंसर्ट चेंजेस फ्रॉम कॉन्स्टेंट टाइम इन अनसॉर्टेड लिस्ट टू थीटा एंड टाइम इन सॉर्टेड लिस्ट. अब इसमें क्या होगा कि इंसर्ट हमने जैसे देखा था कि जो अनसॉर्टेड जो हमारे पास लिस्ट थी
उसमें हम सिंपली जो एंड रे के एंड पे हम उसको रिकॉर्ड को इंसर्ट कर देते हैं। लेकिन अब हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें वन बाय वन देखना पड़ेगा कि क्योंकि रिकॉर्ड जो है वो सॉर्टेड ऑर्डर में, जैसे सपोज के आईडीज है तो वो इस तरह से होंगे 1 2 3 4। अब हमने नया कोई रिकॉर्ड ऐड करना है तो हम ये देखेंगे कि ये कहाँ फिर जो है वो फॉल करता है। अब फाइव है तो फाइव एंड पे आएगा, लेकिन अगर कोई इसके दरम्यान में हमने कहीं पे भी अगर इसको ऐड करना है, सपोज के कोई वैल्यू मिसिंग है और वहाँ पे हम इसको ऐड करना चाहते हैं, तो हमें फिर उसको हमें उस पोजीशन को जो है वो हमें सर्च करना पड़ेगा पहले, और फिर हम वहाँ पे जो है उस रिकॉर्ड को ऐड कर सकते हैं। वेदर द सॉर्टेड लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन फॉर द डिक्शनरी इट इज़ मोर लेस एफिशिएंट देन द अनसॉर्टेड लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव नंबर ऑफ इंसर्ट एंड फाइंड ऑपरेशन टू बी परफॉर्म। तो अगर इन दोनों इम्प्लीमेंटेशन का अगर हम कंपेरिजन करना चाहें तो वो इस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि दो इसके बेसिक ऑपरेशन इंसर्ट एंड फाइंड। और डेटाबेस में बेसिकली क्या होता है कि ये दोनों ऑपरेशन जो हैं बहुत सिग्निफिकेंट होते हैं, क्योंकि हमें क्या करना होता है कि अक्सर हमें रिकॉर्ड इंसर्ट करना पड़ते हैं और अक्सर हमें रिकॉर्ड जो फाइंड करना पड़ते हैं। तो ये दोनों ऑपरेशन जो बहुत सिग्निफिकेंट हैं। अब इसमें हमने अभी जैसे देखा था कि हम दोनों इम्प्लीमेंटेशन जो है वो सॉर्टेड लिस्ट वाली और अनसॉर्टेड लिस्ट वाली, इसमें जो है वो दोनों ऑपरेशंस का जो रनिंग टाइम है वो डिफरेंट है, इंसर्ट का और फाइंड का। अनसॉर्टेड में हमने देखा था कि जो इंसर्ट है वो कॉन्स्टेंट टाइम होता है, लेकिन सॉर्टेड में यही ऑपरेशन इंसर्ट ऑपरेशन जो है वो थीटा एंड टाइम में कम्प्लीट होता है। इसी तरह से जो है वो फाइंड ऑपरेशन जो है वो अनसॉर्टेड में थीटा एंड टाइम्स में उसकी उसकी जो टाइम कम्प्लेक्स थी वो थीटा एंड है, लेकिन जो सॉर्टेड है उसमें ये कम होकर लॉग एन रह जाती है। तो दो हमने बात की थी कि दो बेसिक ऑपरेशन है फाइंड एंड इंसर्ट। तो अगर हमने हमने कहा था कि जो अगर सॉर्टेड लिस्ट है तो उसमें हमने हमने ये बात की थी कि हमारे पास जो फाइंड ऑपरेशन है ये थीटा लॉग एन टाइम्स में जो है वो कंप्लीट होता है, और जो इंसर्ट है इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है दैट इज़ थीटा ऑफ एन, बिकॉज के हमें उसे पूरे देखना पड़ेगा कि एलिमेंट की एग्जैक्ट पोजीशन का मंथली रिकॉर्ड के वहाँ पे हम उसे ऐड करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम अनसॉर्टेड लिस्ट में अगर हम देखें जो हमारे पास होगी तो उसमें फाइंड जो है वो थीटा एन में कंप्लीट होगा और जो इंसर्ट है वो कॉन्स्टेंट टाइम ऑपरेशन होगा। अब इसमें डिफरेंस ये है कि अगर आप ये देखें कि ये थोड़ा सा एनालाइज करें कि आप फाइंड ऑपरेशन ज़्यादा हैं तो फिर बेहतर है कि आप सॉर्टेड लिस्ट जो है वो यूज़ करें, बिकॉज उसमें क्या होगा कि ये जो लॉग एंड कॉस्ट है ये काफ़ी कम है, इंसर्ट की जो है वो कॉस्ट ज़्यादा है, लेकिन ये है कि हम इंसर्ट जो है वो यूज़ कम कर रहे हैं, तो इसलिए जो है ये इसको हम इसको कह सकते हैं ये कॉस्ट बेयरेबल है। लेकिन फाइंड चूँकि ऑपरेशन बहुत ज़्यादा है, और अगर आप ये अनसॉर्टेड लिस्ट यूज़ करते हैं तो उसमें जो इसके जो ऑपरेशन कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन उसके उसके बरक्स जो है वो अगर ये है कि आप रिकॉर्ड्स ज़्यादा इंसर्ट कर रहे हैं और उनको फाइंड कम कर रहे हैं, उनको एक्सेस कम कर रहे हैं, तो फिर बेहतर है कि आप अनसॉर्टेड लिस्ट यूज़ करें, बिकॉज उसमें क्या है कि जो इंसर्ट ऑपरेशन है वो थीटा एंड टाइम्स में कंप्लीट होगा, फाइंड चूँकि हम कभी कभी कर रहे हैं तो इसलिए ये ज़्यादा कॉस्ट भी जो है ये बेयरेबल हो गए। लेकिन चूँकि इंसर्ट बार बार हो रहा है तो इसलिए जो है हम ये नहीं चाहते कि हमें इंसर्ट की कॉस्ट जो ज़्यादा पड़े। तो ये इन दो इम्प्लीमेंटेशन का जो है वो कंपेरिजन था, जिसमें कि हमने जो है वो हमने ये देखा कि दोनों में से सॉर्टेड लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन और अनसॉर्टेड लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन में कौन सी बेहतर है, किस सिनेरियो में कौन सी जो है वो बेहतर है। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो इंशाल्लाह जो है वो हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एंड हम जो है वो सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स पे जो अपनी डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर तक जो है वो अल्लाह हाफिज़, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो आपसे मुलाकात होगी।